Hi friends, welcome to my channel Sony's Cooking Show. आज मैं आपको बैंगो एंड बनाना का शेक बनाने दिखा रही हूँ. अगर मेरे ये शेक आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू दोस्तों. इसके लिए हमें चाहिए मैंगो, बनाना, प्रोमोग्रेनेट, शुगर, आइस, हनी एंड मिल्क. तो चलिए दोस्तों हम इसको बनाना शुरू करते हैं. दोस्तों अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं. एक जार में हम दूध डालेंगे. ये कच्चा दूध नहीं है, ये मैंने पहले से उबाल कर ठंडा कर रखा है. अब हम इस दूध में आम के पल्प डालेंगे. एक गिलास दूध में हम 2 से 3 चम्मच आम के पल्प डालेंगे. इसके बाद हम इसमें बनाना डालेंगे. ये मैंने 3 और 4 बनाना को काट रखा है. 2 या 3 बनाना हम इसमें डाल सकते हैं. इसके डालने के बाद आप अपने आवश्यकता अनुसार इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं. इसमें नेचुरली फ्लेवर आता है मैंगो और बनाना का. उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हनी डालेंगे जो कि इसको और नेचुरली फ्लेवर देगा. हनी और दूध की कंसिस्टेंसी काफी अच्छी होती है और हनी और दूध को साथ में खाने से हमारे बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी आता है. अब हम इसमें कुछ आइस क्यूब डालेंगे. और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे. दोस्तों हमारा ये ग्राइंड हो चुका है. अब हम इसे सर्विंग ग्लास में सर्व करेंगे. देखिए दोस्तों हमारा ये शेक बनकर तैयार है. हम इसे अनार के दानों से सर्व करेंगे. थोड़े कुछ अनार के दाने डालेंगे, आम के कुछ टुकड़े डालेंगे साइड में और कुछ बनानास के भी टुकड़े डालेंगे और ऊपर से थोड़ी सी हनी डालेंगे. अगर आप चाहें तो थोड़े से पुदीने पत्ते भी डाल सकते हैं. तो देखिए दोस्तों हमारा ये शेक बनकर तैयार है. ये काफी रिफ्रेशिंग शेक है जो गर्मियों के लिए काफी यूजफुल है. तो इसको घर पे जरूर ट्राई करें और मेरी ये शेक अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.